उसके हवाले से अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, यानी बेस फॉर्म प्लस आई एन जी यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटिन्यूस, जहाँ पर भी कंटिन्यूस की बात होगी आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी जरूर मिलेगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास एल की वर्ब है वो है वी हैव बीन, वी हैव बीन, जितनी भी पर्सनल प्रोनाउंस ही शी इट आई वी यू दे वी आर, अगर कोई नाउन आ जाए ठीक है तो सबके साथ आप वी हैव बीन यूज करेंगे ठीक। और अमूमन हम इस टेंस को सिंस और फार के साथ इस्तेमाल करते हैं ठीक है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट टाइम की बात करता है, कहीं वक्त की बात करता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस जुलाई, सिंस 2001, सिंस 4 months। फार जो है पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, एक मुद्दत अरसा की बात करता है, फॉर एग्जाम्पल 3 महीनों से, 5 घंटों से, कई सालों से ठीक है। इसके साथ अब कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जब एक्शन हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो कि प्रोग्रेस में होंगे यानी जारी रहेंगे और पीरियड ऑफ टाइम एक वक्त के लिए, ऐसे एक्शन जो मुस्तकबिल में जारी रहेंगे एक वक्त के लिए, फिर क्या होगा डेट विल एंड इन फ्यूचर, और फिर एक वक्त तक जारी रहने के बाद मुस्तकबिल में जारी रहने के बाद वो जो है एंड ही फ्यूचर में होंगे ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, बाई नेक्स्ट मंथ वी विल हैव बीन हेल्पिंग द फैमिली फॉर 3 years, बाई नेक्स्ट मंथ, देखें मुस्तकबिल की बात की जाए बाई नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने तक, फिर क्या होगा वी विल हैव बीन हेल्पिंग, हम मदद कर रहे होंगे ठीक है द फैमिली उस खानदान की फॉर 3 years, 3 साल अगले महीने तक हम इस खानदान की 3 सालों से मदद कर रहे होंगे, ऐसा एक्शन है क्योंकि फ्यूचर में शुरू है ठीक है जारी है एक वक्त के लिए और फ्यूचर ही में एंड भी हो जाएगा। दूसरा आई विल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 20 years नेक्स्ट जुलाई, कहते हैं कि मैं यहाँ पर 20 साल से टीचिंग यानी पढ़ा रहा होगा नेक्स्ट जुलाई, अगली जुलाई यानी अगली जुलाई को मैं यहाँ पर 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है